रक्तदान शिविर में 125 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। सभी रक्तदान दाताओं को हेलमेट देकर किया सम्मानित। दिवाकर ऑर्थोपेडिक्स व जनरल हॉस्पिटल सहयोगी पानीपेच व्यापार संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन इंदिरा कॉलोनी बनी पार्क पानीपेच में किया गया। दिवाकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हरीश अग्रवाल ने बताया कि फ्रीडम ब्लड बैंक के सहयोग से 125 यूनिट रक्त एकत्रित हुई। रक्तदान शिविर में सभी इमरजेंसी मूलभूत सुविधा रखी गई। हर तरीके की मेडिकल सुविधा व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। व्यापार संघ के महासचिव मोहम्मद सहद खान ने बताया कि कार्यक्रम में आम जन ने ब्लड डोनेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों के अंदर इस कोरोना काल के अंदर उत्साह नजर आ रहा था। लोगों ने एक संदेश दिया कि रक्त देकर दूसरों की सुरक्षा की जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोज मृदल, प्रवक्ता व महासचिव कांग्रेस कमेटी जयपुर, पुलिस के आला अधिकारी, शास्त्री नगर थाना अधिकारी सज्जन सिंह कवैया, महिला थाना अधिकारी राजबाला, सब इंस्पेक्टर बनीपास थाने के नरेंद्र सिंह शेखावत, कार्यक्रम में व्यापार संघ के पानीपेच व्यापार संघ के अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल, संरक्षक सुरेश बागड़ा, लखनलाल अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल, दुर्गेश शर्मा, रामचरण दुषाद, संतोष शर्मा, महेश सैनी, इरफान खान, प्रदीप शर्मा, दिवाकर हॉस्पिटल से डॉक्टर दिवाकर अग्रवाल, मोहम्मद इरफान खान, सागरमल मीणा और महेश शर्मा, समस्त स्टाफ व सभी व्यापारियों ने व्यवस्थाएं बनाए रखी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का रक्तदान करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।